होगा। अब तक की हर मुश्किलों का परिणाम इस ग्रैंड फिनाले के आखिरी टास्क पे ही डिपेंड करेगा। इस रेस में आ गया है एक नया मोड़, क्योंकि तीनों ही जोड़ियां इस आखिरी टास्क की जगह पर पहुंची एक साथ। अब सभी जोड़ियों में होगी कांटे की टक्कर। सबसे पहले टीम यहां पे पहुंच गई है करण और ममता। लाल झंडा वहां पे है, वहां पे पड़ा हुआ है गोबर। देखने में ये टास्क जितना आसान लगता है, जोड़ियों के लिए ये होगा उतना ही मुश्किल। आपको तीन तीन उपले बनाने। अनुप्रिया और गौरव की जोड़ी भी पहुँच कर उपलों को बनाने में जुट गयी। जरा सोचिए, जिन कलाकारों ने गोबर को कभी छुआ तक नहीं होगा, आज वही गोबर के उपलों को बनाने में लगे हैं। लड़के और लड़कियों को दोनों को गोबर के तीन तीन उपले बनाने थे और वो दीवार पे चिपकाने थे और वो गिरना नहीं चाहिए। तीनों ही जोड़ियां उपलों को बनाने में जी जान से जुटी हैं। आखिर सवाल ग्रैंड फिनाले का है, कोई पीछे कैसे हो सकता है। हमें गोबर के कंडे बनाने थे और मैं रास्ते अपनी गाड़ी में डिस्कस कर रही थी कि मैं कैसे बनाऊंगी, मैं नहीं बना सकती, अपनी लाइफ में गोबर को छू नहीं सकती। पर जब टास्क सामने आया तो मैंने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, बना के सीधा दीवार में चिपका दिए। मैं पहली बार लाइफ में गोबर के उपले बना करके दीवार लगाने थे जो 30 सेकंड तक रुके रहने वाले थे। मैं लगा जैसे साड़ी के टास्क में बहुत परफेक्शन चाहिए थी, शायद उपलों के टास्क में भी कोई बैठा होगा कहेगा नहीं आपके उपले अच्छे नहीं। तो इन्होंने कहा कि उपले मोटे मोटे होते हैं और हमने मोटे उपले फेंके। करण की जोड़ी को शायद अंदाजा नहीं है कि मोटे मोटे उपलों का दीवार पर टिकना बेहद मुश्किल है। गौरव को लगता है उपलों का पहले से ही अनुभव है, इसीलिए वो पतले उपले बना रहे हैं। पूल में भैंस का जो गोबर होता है उसके केक बनाने थे। पहली बार बनाए होंगे आपने? मैंने भी पहली बार ही बनाए। गोबर के इस टास्क में उलझी हर जोड़ी अपनी अपनी तरफ से भिड़ी है एक दूसरे से पहले बाजी मारने में। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो उपले बनाए वो थोड़े ज्यादा हैवी हो गए, दीवार पे चिपकना उसका बहुत मुश्किल था। करण कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर उपले हैं कि बार बार गिर रहे हैं। गाड़ी में मैं इनको पहले बता रहा था कि आप ऐसे ऐसे बनाइएगा। गौरव की जोड़ी ने पूरे 6 उपले बनाकर दीवार पर लगा तो दिए। 30 सेकंड होल्ड ऑन, हम आपका टाइमिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उनके ये उपले 30 सेकंड तक रुकते हैं या गिरते हैं। हो गए 30 सेकंड, अब ये रहा आपका क्लू। जाइए। सबसे पहले इस टास्क को खत्म करके निकलने वाली गौरव की जोड़ी ही पिछले 2 टास्क में थी सबसे आखिरी, पर इस बार सही भागीदारी और सोच के साथ इस जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। गोबर के नाम से भी दूर भागने वाली अनुप्रिया जीतने की धुन में ना चाहते हुए भी इस टास्क को बखूबी निभा रही है। इसी को कहते हैं रियल टीम स्पिरिट। इसलिए आज जो है गोबर के उपले एक ही बार में बन गए, 6 उपले बने। अनुप्रिया और शिराज ने भी इस टास्क को पूरा कर लिया और उनके उपले भी 30 सेकंड तक नहीं गिरे, इसीलिए क्लू पाकर ये भी जोड़ी चल पड़ी है अगली मंजिल की तरफ। करण ने इस टास्क को सबसे पहले शुरू किया था पर यही जोड़ी इस टास्क में अभी भी लगी है। No, I told you. मुझे बुरा से इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों टीमें चली गई थी। दोनों जोड़ियों के जाने के बाद करण पर इस टास्क का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हो गया। करण ने कई कोशिशों के बाद इस टास्क को पूरा कर लिया। 30 सेकंड आपके अभी भी काउंट किए जा रहे हैं और आपका टाइम होता है पूरा। तो करण भी अब इस टास्क को पूरा करके चल पड़े अगले पड़ाव के लिए। कड़िया गांव के गोबर टास्क को कंप्लीट करने के बाद जोड़ियों को पहुंचना है चेतक स्मारक, जो होगा हमारा आज का फिनिशिंग पॉइंट। तीनों ही जोड़ियां पूरे जोशो खरोश के साथ बढ़ रही हैं अगले पड़ाव की तरफ, पर इन जोड़ियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि अगला पड़ाव फिनिशिंग पॉइंट है या फिर चक्रव्यूह का कोई टास्क कर रहा है इनका इंतजार। जोड़ियों की धड़कनें भी रफ्तार पकड़ती जा रही हैं। किचन में स्नान लगाई थी।
करण आज के आखिरी टास्क को कंप्लीट करके सबसे अंत में निकले, पर इसके बावजूद इन्होंने अपनी होशियारी से लगातार रेस में बराबरी बनाए रखी। सफर और टास्क के कई उतार चढ़ाव का सामना करते हुए फिनिशिंग पॉइंट पर कांटे की टक्कर के बाद करण और गौरव की जोड़ी एक साथ पहुंची और इन दोनों के बाद पहुंची अनुप्रिया की जोड़ी। एक साथ पहुंचने की वजह से करण और गौरव के बीच में हो गया है टाई। इसीलिए अब फैसला इन दोनों के आज के सभी टास्क के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर होगा। कुछ पल रेस के और कुछ मौज मस्ती के, और अब बहुत ही बेशकीमती पल। तो अपने दिल थाम के बैठिए। द विनर फॉर रिट्स जीले ये पल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने इन चुनौतियों का सामना बहुत ही शानदार तरीके में किया। सो वेल डन गाइस, इट हैज बीन एन अमेजिंग रेस। लेकिन आज हमें पता चलेगा कि कौन सी है वो एक टीम जो इस रेस की विजेता कहलाएगी। उसका पता आज ही चलेगा। हर टीम में दो टीम मेंबर्स हैं। एक को दुनिया में कहीं भी जाने का जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो सकता है, और एक टीम मेंबर को दुनिया की सबसे बड़ी छोटी कार चलाने का मौका भी जिंदगी भर मिलेगा। फाइनल रेस में आई थिंक आप सबको सबसे ज्यादा मजा आया होगा, बिकॉज जीत के इतने करीब होना काफी एक्साइटिंग है। गौरव सानिया, आप क्या कहेंगे आज के रेस के बारे में? जैसे कोई भी फाइनल होना चाहिए तो क्रिसेंडो बना, और मेरे ख्याल से हमें काफी मजा आया। जो देखेगा उसको भी उतना ही मजा आएगा। अनुप्रिया चिराल, आज की रेस के बारे में आपके थॉट्स क्या है? बहुत क्लोज कंपटीशन था, और हमने पूरी रेस, पूरा शो, पूरे 6 एपिसोड्स जम के मजा किया। अब देखते हैं क्या होता है, और जो भी जीतेगा हम तीनों उतने ही खुश होने वाले हैं। रेस अब खत्म हो चुकी है, सिर्फ ये जानना बाकी है कि आप तीनों में से विनर कौन है। तो क्या हो रहा है? आई थिंक एक्साइटमेंट भी है और नर्वसनेस भी है, क्योंकि हर पिट स्टॉप पे बहुत नर्वसनेस होती थी, क्योंकि पता नहीं था कि अगला पिट स्टॉप फाइनल पिट स्टॉप होगा या उसके बाद भी एक और पिट स्टॉप होगा। तो देखते हैं। आई थिंक मजा ये है कि इतनी क्लोज रेस हुई है, तो हम तीनों में से किसी को नहीं पता कि कौन जीता है। कुछ पल रेस के और कुछ मौज मस्ती के, और अब बहुत ही बेशकीमती पल आज के सबसे खास मेहमान के साथ, जो 6 हफ्तों से जारी रेस को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। प्लीज वेलकम द मैन बिहाइंड मारुति सुजुकी इनोवेटिव मार्केटिंग इनिशिएटिव, चीफ जनरल मैनेजर मार्केटिंग, मिस्टर शशांक श्रीवास्तव। हाय सर, वेलकम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल I must say that I am extremely happy and delighted to be here today for this finale moment of this program, Ritz Jeele Ye Pal. And as you know, Ritz is one of the premium offerings in the premium hatchback segment from MSIL. I think it's an ideal vehicle for the young Indian couple. It's got great space, good performance. The tagline for Ritz is "Live the moment," and I think usko translate karte hain hum to Jeele Ye Pal. And I think that signifies the thought behind this, the name for this show, Jeele Ye Pal. And I'm sure all of you would have had great moments. You have lived the moments with the Ritz in all these 6 weeks that you have been with the show. I'm sure you would have all enjoyed it. And let's see who the winner is now. So, apne dil thaam ke baithiye. Cross your fingers. Say that last prayer. The winner for the Ritz Jeele Ye Pal is Ritz Jeele Ye Pal ki winner wahi jodi hogi jiski position aaj hue charon task mein sabse zyada mazboot rahegi. Aaj ke pehle, dusre aur yahan tak ki teesre task mein bhi Karan ki hi jodi thi number 1. सिर्फ चौथे टास्क में ही गौरव सबसे पहले निकले।
इस वजह से रिट्स जीले ये पल के विनर हैं। करण एंड ममता। आप यहाँ पे आ जाइए। कांग्रेचुलेशन ममता, ये गाड़ी। लुक बैक ममता, ये है आपकी प्राइज पोजेशन। करण जो है आपको इनाम में कॉक्सिल किंग की तरफ से ये चेक। और जो दुनिया को देखने का आपने सपना देखा था वो आज कॉक्सिल किंग की तरफ से पूरा हुआ है। 4 दिन के लिए आप दुनिया घूम सकते हैं, ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप पर। एंजॉय। महाराजा टीम, आखिर आप इस पूरे रेस के महाराजा टीम बन गए हैं। हाउ इज डज इट फील बी महाराजा? हम दोनों ने एज अ टीम बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड फ्री में दुनिया घूमने का मजा ही कुछ और। फैंटास्टिक। हे, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए करण और ममता के लिए। मेरा ड्रीम था फ्री में घूमने का, तो वो कॉक्सिल किंग की तरफ से पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच रिट्ज, ऑल द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्ज जीले ये पल। थैंक यू सो मच। पिछले हफ्ते की विजेता हैं प्रियंका चैटर्जी कोलकाता से।